वंदे मातरम, नमस्कार। अहान कलिकारी माजे भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम मां भारती के जिस वीर सपूत की बात करेंगे, उनके एक धमाके ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया था, जिनका भारत के महान क्रांतिकारी सम्मान किया करते थे, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान लोगों के साथ काम किया था। आज हम बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त की, जिनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1910 को वर्धमान पश्चिम बंगाल में। जब ये कानपुर से बीए कर रहे थे, बात थी 1924 की, उसी समय इनकी कानपुर में मुलाकात हुई थी भगत सिंह से, और भगत सिंह से ये इतने प्रभावित हुए कि भगत सिंह के साथी हो गए। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये कंधे से कंधा मिला के चलने लगे। थोड़े टाइम बाद बटुकेश्वर दत्त बम बनाने में एक्सपर्ट हो गए। काम में इतने निर्भीक थे, कहां बम फोड़ना हमें बताइए, हम फोड़ते हैं बम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब क्रांतिकारियों ने आगरा में बम बनाने की फैक्ट्री खोली, तो उसमें बटुकेश्वर दत्त का महत्वपूर्ण योगदान था। बात तय हुई कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना है, कौन बम फेंकेगा। उसके लिए बटुकेश्वर दत्त हंसते हंसते राजी हो गए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को चुना गया, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना है, अंग्रेजों की आंखें खोलनी है, भैरों को सुनाना है। तारीख तय की गई 8 अप्रैल 1929। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह चले गए केंद्रीय विधानसभा में, जाके हॉल के बीच में खाली पड़ी जगह पर बम फेंका। बम फेंक कर वहीं रुक गए, अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन ये वीर जाबाज वहीं रुके थे, वहीं भारत माता की जय जयकार कर रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक टेरी नामक अंग्रेज व एक भारतीय सर शोभा सिंह की गवाही से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। इनको लाहौर ले जाया गया। लाहौर जाने के बाद जब भगत सिंह के ऊपर एक और मुकदमा लग गया सैंडर्स की हत्या का, तो लाहौर में उनके खिलाफ अलग से ट्रायल चालू हुआ और बटुकेश्वर दत्त को वहां से काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया। जब बटुकेश्वर दत्त को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेजा गया, तब उस समय बटुकेश्वर दत्त बहुत दुखी थे। वो चाह रहे थे कि मैं मां भारती के लिए कुर्बान हो जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उनका मन अंदर से बहुत दुखी हो रहा था। शहीद आजम भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा, मित्र, सिर्फ मां भारती के लिए कुर्बान होना ही एक सच्चे राष्ट्रभक्त की पहचान नहीं है, मां भारती के लिए जीना भी पड़ेगा, और आप मां भारती के लिए जी रहे हो, यह परम सौभाग्य की बात है। बटुकेश्वर दत्त भी मान गए। जब अंडमान निकोबार में इनको अपना पुराना मित्र यतीन्द्रनाथ दास वहां मिले, तो इन्होंने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ हड़ताल की, भूख हड़ताल की, और दुर्भाग्यवश उस भूख हड़ताल में इन्होंने अपना एक और साथी खो दिया। वहां ये काफी बीमारी भी रहे, इनको टीबी हो गई। उसके बाद जब इनको 1937 में पटना जेल लाया गया और 1938 में इनको रिहा कर दिया गया। जब इनको रिहा किया गया, रिहा होने के बाद में ये महात्मा गांधी के साथ देश के आंदोलनों में लगे। जब भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, तो उसके बाद इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 3-4 साल की सजा हुई।
देश के आजाद होने के बाद में इन्होंने नवंबर 1947 के अंदर अंजलि दत्त नामक महिला से शादी की। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जब देश आजाद हुआ तब बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारियों को पूछने वाला कोई नहीं था। इनको अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इनको एक सिगरेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य करना पड़ा, इनको टूरिस्ट गाइड का कार्य करना पड़ा। जब पटना के अंदर एक बस के रजिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर के ऑफिस में गए ये और इन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं, तो कमिश्नर ने इनसे कहा था कि आप स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लाइए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात थी शायद बटुकेश्वर दत्त के लिए और मां भारती के संतान के लिए कि उस बात का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था जिस बात के लिए इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, और आज उनसे ये बात पूछी जा रही थी। उसके बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मामले का संज्ञान लिया और कमिश्नर को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या यह घटना झकझोर करने वाली नहीं थी? बहुत दुर्भाग्य की बात थी, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात थी, देश की हर संतान के लिए दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। जब एक पत्रकार ने लेख लिखा क्या बटुकेश्वर दत्त का भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य था, उसके बाद राजनेताओं की आंखें खुली, अरे ये क्या हो गया। फिर तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदन संज्ञान लिया। बटुकेश्वर दत्त इतने बीमार हो चुके थे कि इनके पास इनके इलाज तक के लिए पैसा नहीं था। बात थी 1963 की, जब इन्होंने देखा कि मां विद्यावती, शहीद आजम भगत सिंह की माता श्री का नाम विद्यावती था, मां विद्यावती एक अनावरण में आई हुई थी जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्चों का अनावरण था। तब इन्होंने देखा कि मुझे मां से मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उनका पता ढूंढा और फिर वो मां से मिलने पहुंच गए। बहुत दुखी हो रहे थे, पर मां विद्यावती भी इनको अपना छोटा बेटा मानती थी। मां भी बहुत खुश हुई अपने पुत्र से मिलके। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के मन में तो वही ठास थी, मैं कुर्बान क्यों नहीं हो पाया उनके साथ। साथियों, हम भगत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि शहीद आजम भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त के जीवन में उनके साथ क्या बर्ताव हुआ था? उसके बाद जब पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपए का चेक भेजा और कहा कि आप इनका इलाज करवाइए और यदि आप इनको इलाज नहीं करवा सकते हैं तो आप इनको चंडीगढ़ भेज दीजिए, ये और बिहार सरकार के लिए शर्म की बात थी। मुझे लगता है ये सबके लिए शर्म की बात थी। एक सरकार एक क्रांतिकारी के इलाज के लिए 1000 रुपए का चेक भेज रही है। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त को 1964 के अंदर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ चुकी थी, फिर उनको एम्स भी लाया गया, लेकिन कोई दवाई कारगर नहीं हुई और अंत में मां भारती का लाल 20 जुलाई 1965 को परमात्मा को प्यारा हो गया। पत्नी अंजलि से शादी के बाद इनके एक संतान हुई जिनका नाम था भारती दत्त, जो भी मां भारती की पावन धरा पर मौजूद है। शायद उनके मन में बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि उनके पिता ने जिस देश को आजाद कराने के लिए अपनी सर्वस्व जिंदगी कुर्बान कर दी, वो देश उनको उनके जीवन का अंतिम समय तक अच्छा नहीं दे सका। जब बात सिर्फ पैसों की थी तो क्या ये देश, इस देश की जनता इतनी कमजोर थी एक क्रांतिकारी की इतनी सी मदद नहीं हो सकी?
एक क्रांतिकारी ने जो अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित किया था अपने देश के लिए, क्या उस क्रांतिकारी को अपने जीवन में सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? यह सम्मान तो छोड़िए, लोगों ने पूछा तक नहीं था। हमने बात की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, जिनकी मां के साथ, जिनकी दादी के साथ, जिनकी बहनों के साथ क्या बर्ताव हुआ था, खाने को दाने तक नसीब नहीं थे उनको। हमने बात की थी ठाकुर रोशन सिंह की, जिनकी पुत्र वधुओं को लोगों के घर पर जाकर बर्तन मांजने पड़े थे। वो तो थी आजादी से पहले की बात, लेकिन महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जो आजादी के बाद तक जीवित रहे थे, उनके साथ यह बर्ताव हुआ था। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनके साथ ऐसा हाल हुआ था। क्यों? कि सिर्फ उन्होंने राजनीति ज्वाइन नहीं की थी। जो नेता, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे या किसी और पार्टी से, जिन्होंने आजादी के बाद राजनीति ज्वाइन कर ली, उनका जीवन तो अच्छा हो गया। लेकिन जिन्होंने राजनीति ज्वाइन नहीं की, उनका जीवन बहुत बुरा हो गया। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब एक क्रांतिकारी की बात आई थी, उनके सम्मान की बात आई थी, उनके जीवन रक्षा की बात आई थी, तब हर भारतीय उस टाइम खामोश था। बहुत दुख की बात है कि इस देश के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, इस देश के लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।